ज्यादा विचारों के अंदर आने से आप ब्रेक लगाएंगे ना, आपको उतनी ज्यादा शांति का अनुभव मिलेगा. यू विल फील द पीस इन योर माइंड. और जो व्यक्ति जितना ज्यादा विचारों को आने जाने से रोकेगा, उस व्यक्ति के अंदर उतना ही धीरे बोलने का मन होगा. वो देखेगा जरूर, परंतु क्या देख रहा है उसको कुछ दिखाई नहीं देगा. वो सुनेगा जरूर, पर क्या सुन रहा है उसका ज्यादा दिमाग में प्रभाव नहीं पड़ेगा. ऐसा करके आपके मन को इन तमाम चित्रों से, बाहरी इन्फॉर्मेशन से अपने मनों को खाली करने का है ना मन बनाना है, और उसको आदेश देना है कि भाई साहब जरा हमको तकलीफ मत दो, थोड़ा बाहर चल के रहो, अंदर अभी हो गया, अभी तक तो बहुत हो गया, अब हम नहीं आने देंगे आपको. ठीक है ना. इस तरीके से आपको एकांत स्थान चाहिए. ठीक है. जब शुरुआत में ऐसा लगेगा, पर धीरे 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 इसके बाद होगा ये कि आप अपने आप को आदतन इसको इस दिमाग को ले आएंगे. तो आप फिर कहीं भी बैठ करके थोड़े मिनट के लिए, फिर गाड़ी चल रही है, पंखा चल रहा है, गर्मी आ रही है, पसीना आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई जा रहा है, आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप आंख बंद करने के साथ साथ खुली खुली आंख में भी थोड़े मिनट के लिए गायब हो जाइएगा. इसलिए जब कभी मैं हवाई यात्रा करते हैं तो विंडो सीट ले लेते हैं और बस एक तरफ नज़र रखा, आसमानों में हम खो जाते हैं, आसमान के पीछे देखने की कोशिश करते हैं. शुरुआत के दिनों में हम पहाड़ पर चढ़ जाते थे, शाम को 5 बजे 9 बजे तक वहीं बैठे रहते थे. ढलते सूरज के बाद आसमान के पीछे क्या होगा, कौन रहता होगा वहाँ, कैसा होगा वो दुनिया संसार. ऐसा करके हम अपनी कल्पनाओं को अंदर आने से रोक रहे हैं. इसलिए दूर दूर तक की चीजों को देखने से कोई चित्र नहीं बनता है. जैसे जैसे आपकी नज़र धीरे धीरे किनारे आएगी, आप जो जितनी जो चीज़ें आपको जितनी विजिबल होंगी, वैसा ही आपके दिमाग के अंदर उसकी प्रतिमा छोड़ेंगे, उसका चित्र बनाएंगे. इसलिए मैं पसंद करता हूँ, मेरा अपना आइडिया है कि दूर ऊंची जगह में बैठ जाइए, दूर तक देखिएगा. ओ इतना दूर जो पहाड़ है उसकी फोटो नहीं बनती है. आसमान की ओर ताकते रहिएगा, क्षितिज को देखिए जहां जमीन और आसमान टकरा गया है. समुद्र के किनारे सबसे अच्छी उपलब्ध जगह होती है, यहां कोई शोरगोल नहीं है. आप बैठ जाइए, दूर तक देखते रहिएगा. जो जितना दूर देखेगा उसके दिमाग में चित्र उतने ही कम बनेंगे. ऐसा करके विचारों के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है. फिर आपको धीरे धीरे आपसे आप कम बोलने का मन होने लगेगा. धीरे धीरे आप जो है बहुत स्लो बोलने लगेंगे, क्योंकि आपकी जो दिमाग की जो इंद्रियां हैं वो इंफॉर्मेशन देने में जल्दबाजी नहीं करेंगे. जो जल्दी जल्दी हबड़दबड़ कुछ भी बोलते रहता, अनाप शनाप बोलते रहता है ना, वो इसका मतलब उसका दिमाग उतना ही ज़्यादा तेज चलता है. जिसका दिमाग जितना ज़्यादा तेज चलता है उसका इंजन जल्दी गर्म हो जाता है, और पिस्टन स्लो खराब हो जाते हैं, तो गैरेज में खड़ी हो जाती है वो गाड़ी. अंकल जी मेरे लिए दुआ करो, टेंशन में हूँ. क्यों नहीं हो टेंशन? क्योंकि रात दिन पिस्टन चल चक 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 चक, डीजल भी खत्म होगा और पिस्टन स्लो भी खस जाएंगे, फिर एवरेज कम देने लगेगी गाड़ी, फिर एक दिन बंद हो जाएगी. डिप्रेशन. समझ में आगे बात? कुछ समझ रहे? नहीं समझ रहे? इलाज आपके पास है, बाइबल में सलाह दी गई है, ऐसा करना है. जीव को और आत्मा को अलग करो और गांठ गांठ और गूदे गूदे की इंफॉर्मेशन को कैद करो, जिससे कि आप अपने मन को शांत बनाए रख सको. इसलिए हम अपने खेत में जो बंगला बना रहे हैं उसमें वो सारी सुविधाएं हैं जहां दूर दूर तक अपने विचारों को इस संसार से अलग करने का उपाय किया जाए.
हालेलुया। सो इस तरीके से आपने एक उचित स्थान का चुनाव करना है और उस चुनाव के साथ अपना समय थोड़ा थोड़ा करके आधा घंटा बैठ लिए, फिर भी आएंगे विचार, आते ही जाएंगे। आप इरिटेट मत हो, उनको आने दो, आ रहे विचार आने दो। ए बाबा क्यों परेशान करता, जाने यार बाबा भैया, जाओ ना भैया, तुम्हारा क्या काम, हम इनविटेशन तो दिए नहीं, क्यों मोटरसाइकिल दिख रही है मेरे को, मेरे दोस्त वो उधर है मुंबई में है, क्या काम है तुम्हारा बताइए, जाओ ना, ये दिमाग में क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसे बोलो उसको, जाएगा वो, इरिटेट मत हो नहीं तो ध्यान खत्म हो जाएगा। साइलेंटली बोलना, फिर आ गए तो क्यों परेशान, ठीक है। क्योंकि पी वहीं तो पीस है ना भाई, समझ रहे हैं बात, स्टॉप देम, उसको साइलेंटली जेंटली बोलो। अब हम बोलते बोलते लगभग अपने दिमाग में शून्य होते चले जा रहे हैं, है ना, अब बात करने की तमन्ना खत्म हो रही है, ऐसा लगता है कि अब बस खो जाओ, समझ रहे हैं बात। यह है हमारे मन की शांति के आने का तरीका, सच ए वे वी कैन अनलॉक द डोर सो द पीस मे कम इनसाइड इन योर माइंड एंड द हार्ट, ठीक है। फिर आपको कोई गाली भी बकेगा ना, जाने दे, ठीक है कि नहीं, नहीं तो तेजी क्या बोला, इधर सिर के पानी, सिर के ऊपर से पानी चला गया, दैट मीन्स यू आर सो अपसेट, राइट। यहां पर 90-99% जो गलतियां हैं वो करने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। जब आपका मन खाली हो जाए तब कहना, हे पवित्र आत्मा, ये चेयर एम्प्टी है, आप आ सकते हैं, कम इन। अब मेरे खाली बिल्कुल ब्लैंक पेपर हो गया है प्रभु, एक तरफ कल बहुत गुदा था, आज मैंने पेपर को ब्लैंक कर दिया हूं, अब अपनी बात मेरे अंदर डाली है, पुट दाई थॉट्स अन टू माई हार्ट ओ गॉड, गिव मी द रेवलेशन।